हिंदू धर्म में होली का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार होली पर चंद्रग्रहण भी लग रहा है, साथ ही होली के 8 दिन पहले ही होला उत्सव शुरू हो रहा है। इसमें किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में ऐसी मान्यता है कि पूरे भारतवर्ष में होली का दहन सबसे पहले उज्जैन में ही होता है और भगवान महाकाल के दरबार में भक्त झूमते हुए भगवान महाकाल के साथ में होली खेलने आते हैं। इस बार होलाष्टक पे 17 मार्च को लग रहा है, जिसके अंदर कुछ भी शुभ कार्य नहीं होता, विवाह कार्य, मुंडन या और भी कोई मांगलिक कार्य करना वर्जित माना गया है। ऐसा क्यों, आइए उज्जैन के ज्योतिष आचार्य से जानते हैं होलाष्टक के नियम व विधि। होलाष्टक होली के 8 दिन पूर्व पड़ रहा है। इस बार होली 25 तारीख की है और 17 तारीख से होलाष्टक लग रहा है। होलाष्टक में यज्ञोपवीत संस्कार, मुंडन आदि संस्कार, विवाह आदि संस्कार यह नहीं किया जाता। कोई भी शुभ कार्य होलाष्टक में नहीं किए जाते। पुराणों के अनुसार होलाष्टक कई नकारात्मक जो शक्तियाँ होती है वो होली के दिन उसमें दहन की जाती है और वह नकारात्मक शक्तियाँ आसपास के वातावरण में घूमती रहती हैं, इसलिए शुभ कार्य वर्जित होते हैं। कोई धार्मिक आयोजन जैसे यज्ञ अनुष्ठान वगैरह भी होलाष्टक में नहीं किए जाते, जिससे कि उनका पुण्य फल पूर्ण नहीं प्राप्त होता, इसलिए वह धार्मिक आयोजन भी होलाष्टक में नहीं किए जाते। होलाष्टक में आराधना करना चाहिए, भगवान शिव जी के महामृत्युंजय मंत्र अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना चाहिए। बड़ी धूमधाम से होली मनाइए और होलाष्टक में कोई भी शुभ कार्य मत कीजिए। जय श्री कृष्णा।